स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था 9th क्लास का, उसके अंदर हम क्या पढ़े थे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने कहां तक पढ़ लिया था, इंडिविजुअल लेवल तक। उसके बाद हमने स्टार्ट करना है पॉपुलेशन लेवल, पॉपुलेशन लेवल। इसके पहले हमने कुछ टर्म्स को देखना है पॉपुलेशन लेवल के अंदर, के पॉपुलेशन जो लेवल होता है उसके अंदर हम किन चीजों की बात करते हैं, सेम स्पीशीज की। अब ये सेम स्पीशी और हैबिटेट का क्या मतलब है? पहले हम ये देखेंगे कि स्पीशी क्या चीज है। ऐसे इंडिविजुअल्स, जिनका क्या होता है, वो इजीली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ब्रीडिंग करते हैं, एक दूसरे के साथ ब्रीडिंग करके क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, अपनी नस्ल बढ़ा सकते हैं, उनको क्या करते हैं, स्पीशी। ऐसी स्पीशी जो आपस में क्या करके, ऐसे इंडिविजुअल्स जो आपस में ब्रीड करके, आपस में रिप्रोड्यूस करने के बाद नई ऑफस्प्रिंग बना सकते हैं, अपने जैसे अपनी नई नस्ल बढ़ा सकते हैं। और ये जो नई नस्ल है इसके अंदर भी इस्लाही तौर पर भी अपनी नई नस्ल बढ़ा सकते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, स्पीशीज। दूसरा हैबिटेट, हैबिटेट का मतलब है एक ऐसी जगह, हैबिटेट का मतलब है एक ऐसी जगह जहां, जिस जगह पे वो स्पीशी रह रही है। देखिए, हर स्पीशी हर जगह पे नहीं रह सकती, कुछ एनिमल्स या कुछ स्पीशीज इस तरह की पाई जाती है जो क्या है, वो कुछ स्पीशीज इस तरह की पाई जाती है जो सिर्फ और सिर्फ विंटर वाली जगह पे, स्नोइंग एरिया पे, जहां पर बर्फ वगैरह होती है, जहां पर बहुत ज्यादा सर्दी होती है, तो वो सिर्फ वहां पर रह सकते हैं। तो वो क्या है, सिर्फ वहां पर रह सकते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि जो गर्मी वाले इलाके में जो ज्यादा बेहतरीन तरीके से रह सकते हैं, वो समर वाली जगह पर रह सकते हैं, गर्मी वाली जगह पर रह सकते हैं, सहरा वाली जगह पर रह सकते हैं, कुछ फॉरेस्ट में रह सकते हैं जहां पर बारिश होती है। तो ये है उनकी हैबिटेट। तो यहां पर भी हमने जो चीज आ रही है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में हमने ये चीज पढ़नी है, सेम स्पीशीज लिविंग एट सेम प्लेस इन सेम टाइम, कि एक की स्पीशी, एक किस्म की जो एक तरह की स्पीशीज होती है, एक जगह पे, वो एक जगह पे, एक खास जगह पे, एक खास वक्त के अंदर जो रह रही होती है, उनको हम क्या कहते हैं, स्पीशी कहते हैं। अगर इसकी मिसाल में देखें तो ह्यूमन बीइंग्स एक शहर के अंदर, हम क्या कहते हैं कि ह्यूमंस की पॉपुलेशन क्या है, या एक मुल्क के अंदर ह्यूमंस की पॉपुलेशन क्या चीज है, तो यही पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन किस चीज से मिलती है, सेम इंडिविजुअल से। जो ऐसे सेम इंडिविजुअल होते हैं आपस में, ह्यूमंस की अगर बात करें तो हम एक सिटी के अंदर, या फिर एक मुल्क के अंदर जो ह्यूमंस की सेम पॉपुलेशन है, जो उनकी तादाद है, वो हम क्या कहेंगे कि उसकी पॉपुलेशन। साल को करके 2010 के अंदर ये कहा गया था कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो है 173.5 मिलियंस। ये क्या बताया गया था कि यहां पर पाकिस्तान के अंदर 2010 में कितने ह्यूमन बींग्स पाए जा रहे हैं, और ये सिर्फ किसकी बात हो रही है, ह्यूमन की। ये आ गया हमारे पास पॉपुलेशन लेवल। उसके बाद हम ये बताएं, हमसे कुछ ये पूछे कि एक मोहल्ले के अंदर या फिर एक शहर के अंदर, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद या गुजरांवाला के अंदर, एक शहर के अंदर जो जानदार रह रहे हैं, जानदार का मतलब ये है इसके अंदर सारी पॉपुलेशन आ रही है, उसके अंदर किन किन की पॉपुलेशन आ रही है, ह्यूमंस की पॉपुलेशन भी आ रही है, जो उस इलाके में
जानवर है, कुत्ता बिल्ली, उनके वहां पर परिंदे हैं, सबकी पॉपुलेशन, वहां पर जो प्लांट्स हैं सबकी पॉपुलेशन को मिला के बात कर रहे हैं। तो जब काफी ज्यादा पॉपुलेशन आपस में मिलकर रहती होती है, और ये ऐसा ही होता है कि कोई भी पॉपुलेशन अकेली एक जगह पे नहीं रह सकती, उसको दूसरी पॉपुलेशन की जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए। जैसे ह्यूमंस है, ह्यूमंस एक जगह पे अकेले नहीं रह सकते, उनको दूसरी पॉपुलेशन की जरूरत है ताकि वो जिंदा रह सके। या फिर उनको खाते हैं, या फिर वो प्लांट्स हो गए, या फिर वो एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस को उनकी जरूरत है। तो यहाँ पर इस तरह होता है कि मुख्तलिफ किस्म की पॉपुलेशन आपस में एक जगह के अंदर मिलकर रहती है, मुख्तलिफ पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, मुख्तलिफ स्पीशीज की, मतलब एक नहीं बहुत ज्यादा स्पीशीज की लिविंग टुगेदर क्या करती हैं, एक जगह पे मिलकर रहती हैं, उसको हम क्या कहते हैं कम्युनिटी, उसको हम क्या नाम देते हैं कम्युनिटी का। कम्युनिटी क्या है, मुख्तलिफ किस्म की पॉपुलेशन डिफरेंट स्पीशीज की एक जगह पे मिलकर रहेगी, लिव टुगेदर, उनको हम क्या कहेंगे कम्युनिटी। और यहाँ पर इनका जो एक मेन चीज है कि इनके दरमियान इंटरेक्शन होना चाहिए। इंटरेक्शन का मतलब ये है कि उनको आपस में एक दूसरे से किसी ना किसी तरीके से काम पड़ता रहे। काम किस तरह पड़ना है कि एक ने दूसरे को खा लेना है, या फिर उसने उससे किसी किस्म का खाना लेना है, या उसको खा जाना है, या उससे एनर्जी लेनी है, ये सारे उस तरीके से, या फिर एनवायरमेंट के जरिए। जैसे हमें पौधों की जरूरत होती है ह्यूमन बींग्स को, किस वजह से हम उनको खा सकते हैं, एक चीज उनसे हम एनर्जी ले सकते हैं, उनसे हम बायोमास ले सकते हैं। दूसरी चीज कि वो हमारी जो पाई जाती है अर्थ के ऊपर ऑक्सीजन बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं, और जो ऑक्सीजन को बनाते हैं वो ऑक्सीजन को हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से हमें उसकी खानी केमिकल के हवाले से भी जरूरत है, जो उनके केमिकल रिलीज करते हैं उनकी भी जरूरत है, उसके अलावा हम उनके खाने उनको खाने के लिए उनके जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको खा भी सकते हैं, एनर्जी भी ले सकते हैं। तो ये है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में ये लाजमी चीज है कि दो कम्युनिटी कम्युनिटी के अंदर लाजमी चीज है कि दो पॉपुलेशन है उनका आपस में बहुत ज्यादा ताल्लुक होता है। इतना होता है कि अगर एक चीज कम होगी तो दूसरी चीज भी कम हो जाएगी खुद ब खुद ही। मिसाल के तौर पर साइंटिस्ट ने ये रिसर्च की थी कि एक जगह पे रैबिट्स काफी ज्यादा पाए जाते हैं और फॉक्सेस क्या करती थी उनका शिकार करती थी। फिर एक वक्त क्या आया जब रैबिट काफी ज्यादा मिकदार में ग्रो करने लग गए तो फॉक्सेस ने लोमड़ियों ने उनका शिकार करना शुरू कर दिया। तो जब वो फॉक्स ने उनका शिकार किया तो आहिस्ता 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 उनको काफी ज्यादा मिकदार में थी, तो फॉक्सेस उनको खाती गई और अपना रिप्रोड्यूस करती रही, अपनी तादाद को बढ़ाती गई। बढ़ाने के बाद फिर जब काफी ज्यादा मिकदार में फॉक्स आ गई तो वो क्या हो गया, वो ज्यादा सारे रैबिट्स को खाती थी, रैबिट्स की तादाद कम होना शुरू हो गई। जब रैबिट्स की तादाद कम हो गई तो फिर फॉक्सेस को खाने के लिए खाना नहीं था मिलता, इसलिए वो फिर फॉक्सेस भूख से मरना शुरू हो गई। जैसे फॉक्सेस मरना शुरू हो गई उनकी तादाद भी कम होना शुरू हुई, फिर रैबिट्स की तादाद भी ज्यादा होना शुरू हो गई। ये है कि दोनों का बैलेंस रहता है, ये नहीं है कि अगर फॉक्सेस बढ़ गया तो वो बढ़ती जाएंगी, रैबिट्स मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी। ये है कि दो पॉपुलेशन आपस में मिलकर रह रही है तो उनका एक दूसरे के साथ बैलेंस रहता है। पॉपुलेशन सिंपल भी हो सकती है, इसके अंदर एक या दो चंद कम्युनिटी सिंपल भी हो सकती है, इसके अंदर एक दो तीन पॉपुलेशन है, या फिर बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स भी हो सकती है जहाँ जिसके अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में पॉपुलेशन पाई जाती है, चाहे वो प्लांट्स की हो, इसके अलावा वो ह्यूमन बींग्स की भी हो सकती है, जानवरों की भी हो सकती है, इनको कम्प्लेक्स इसको पॉपुलेशन कम्युनिटी कहते हैं, कम्प्लेक्स कम्युनिटी और सिंपल कम्युनिटी। और इसके बाद एक लेवल आ जाता है बायोस्फीयर लेवल। बायोस्फीयर लेवल के अंदर हम ये देखते हैं कि तमाम कम्युनिटीज को इकट्ठा करके इस अर्थ प्लैनेट के ऊपर जितनी भी कम्युनिटीज पाई जा रही हैं हम उनका जिक्र करते हैं। जितनी भी कम्युनिटीज पाई जा रही हैं मतलब जितनी भी कम्युनिटीज हैं, जितने भी पॉपुलेशन है, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जितने भी जानदार हैं, तमाम का हम जिक्र करते हैं। और इसके अंदर जब हम जिक्र करते हैं ना हम ये नाम इस तरह कहते हैं कि अर्थ प्लैनेट के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे हैं, उन सबको हम किसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं, उन सबको हम इन्वॉल्व करते हैं बायोस्फीयर लेवल के अंदर। और ये क्या है, डेप्थ ऑफ ओशन, समुद्र की गहराई से लेकर जहां जहां तक
कोई जानदार, कोई मछली, अगर कोई बैक्टीरिया, बैक्टीरिया भी पाया जाता है वहां से लेकर हाईएस्ट माउंटेन तक, हाईएस्ट माउंटेन तक क्या चीज आ जाती है इनके दरमियान में, हाईएस्ट माउंटेन यहां पर, यहां तक कि एक मैक्सिमम ऑर्बिटर पाया जाता है या यहां तक पाया जाता है, इससे ना ऊपर ना बाहर। तो ये जो लेवल है ना, इसको हम सारे को क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। और ये पूरी अर्थ प्लैनेट के चारों तरफ, पर पूरी गोल है, हर तरफ इसके यही चीज है। और ये तकरीबन 20 किलोमीटर का इसकी चौड़ाई है। और इस लेवल को हम, इस इतने हिस्से को हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर लेवल, जहां पर तमाम के तमाम इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं और तमाम इकोसिस्टम पाए जाते हैं। अब ये हमारा मुकम्मल खत्म हो गया कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हमने एटॉमिक लेवल, सब एटॉमिक लेवल से लेकर बायोस्फीयर लेवल तक पढ़ा कि ऑर्गेनिजम्स किस तरह एक दूसरे के साथ ऑर्गेनाइज होकर रहते हैं, किस तरह मिलजुल कर रहते हैं। हमने कम्युनिटी, पॉपुलेशन, इंडिविजुअल, तमाम लेवल तक, और एक हद, एक इंडिविजुअल खुद है तो उसके अंदर जो डिफरेंट ऑर्गन से, ऑर्गन सिस्टम एंड इशूज हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह ऑर्गेनाइज होते हैं, सब कुछ हमने पढ़ लिया। इसके मुतालिक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।